तो जनाब आज तो बिल्कुल चतुरपुतैया लगाओ, चतुरपुतैया। तो सेवन जे की वीडियो देखी। सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज शेफ राकेश। और आज का जो ब्लॉग होने वाला है, तो यार घर में ना दिवाली आने वाली है, आपको पता ही है। तो दिवाली होते सारे का टाइम आने वाला, तो सब घरों पे क्या होता है रेनोवेट कराया जाता है, तो उसी के चक्कर में हमने भी स्टार्ट कर दिया रेनोवेट, जैसे कि आप देख सकते हैं दीवारों को। तो यहाँ पे तो हो गया है, लेकिन मेरे कमरे में नहीं हुआ है। तो मेरे कमरे में मैंने बोला था पापा को कि मैं जब आऊँगा तभी हम करेंगे, तो आज मेरा ऑफ है, तो हमने स्टार्ट कर दिया रिनोवेशन। तो आपको ले चलता हूँ ऊपर की तरफ, थोड़ा बहुत तो काम कर लिया, लेकिन मैंने सोचा कि आज वीडियो भी बना ली जाए इसके साथ साथ। तो आपके साथ ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे कैसे कर रहे हैं। और शाम के टाइम पे दीदी बोल रही थी कि हम घूमने जाएंगे, तो देखते हैं मेले में भी जाएंगे। तो पीछे का तो बैकग्राउंड देख रहे हो, यहाँ पे तो हो गया है, बट ऊपर जहाँ मेरा कमरा है वहाँ का नहीं हो पाया, तो काम चल रहा है। पापा भी लगे, मैं भी लगाऊँ, तो साथ में मिलके देखते हैं आगे कैसे कैसे काम होता है। जो मैंने YouTube में सीखा वैसे वैसे बनाएंगे, जैसे जैसे झोलमाल करके हुए, देखते हैं। और चलो बने रहो, आगे दिखाता हूँ कैसे कैसे क्या क्या करा जाता है, ठीक है ना। ओके तो यहाँ तो मैं लगा पड़ा हूँ, और भाई वहाँ पे लगा पड़ा है पूरी मेहनत से, जोरों से से लगा हुआ है। तो देखते हैं कैसा हो पाता है। तो भाई खाना तो हो चुका है, खाना पीना, और अब स्टार्ट करते हैं, फिर से दोबारा से काम में लग जाते हैं। भाई लगा पड़ा है, इसने बना दिया मिक्सर, तो अब इसको दोबारा से लगाएंगे। कोटिंग आधी हो गई है, आधी कर दी है पूरी। तो फाइनली अब यहाँ तक का पूरा हो चुका है काम, बड़ी मेहनत लगी यार। आधी टेंशन वाले काम है रे यार, बहुत टेंशन वाले काम लग रहे हैं, लेकिन फाइनली हमने कर दिया ऐसा। देखते हैं आगे कौन से इसमें कलर करते हैं, लेट्स सी। चलो तो जनाब आज तो बिल्कुल चतुरपुतैया लग रहा हूँ, चतुरपुतैया। तो सेवन जे की वीडियो देखी थी भाई, तो आज चतुरपुतैया बन गया, तो आप बने रहिए, देख रहे हो। थोड़ा तो काम हो चुका है, थोड़ा बहुत रह गया है, इसको भी खत्म करके फिर शाम के टाइम में मेले में जाएंगे, और वहाँ का मेले का थोड़ा इंजॉय करेंगे, ठीक है ना। तो हैशटैग चतुरपुतैया ये जरूर लिख देना कमेंट में, ओके। तो भाई चतुरपुतैया तो भैया आ दे रहे हो, कैसे हो गए, और बाल भी बहुत काफ़ी हुआ से हो गए। तो अब सावल लेते हैं, सावल लेके फिर दीदी के पास जाता हूँ, और दीदी मेले के लिए देखो अभी क्या प्लान बनता है। आगे बने रहिए इस वीडियो में, और अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी वीडियो को। और एक चीज़ और, अगर आपको पता है कि कौन सा कलर बेस्ट रहता है बेडरूम के लिए, तो वो बता दें मुझे, क्योंकि मुझे अपने बेडरूम में यहाँ के सामने कलर और इस तरफ दोनों में बताना कि कौन सा कलर बेस्ट लगेगा। तो अगर आपको पता है कलर, अगर कलर कॉम्बिनेशन का आपको नॉलेज है, तो प्लीज़ मुझे कलर कॉम्बिनेशन का बताना, और नीचे कलर बता देना कि कौन कौन से कलर लगा सकता हूँ मैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो में बने रहने के लिए, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना अपने भाई को, ऐसी प्यार बनाए रखें। और दिखाता हूँ आप शाम का मौसम कि क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखते हैं, लेट्स सी। ओके सो फाइनली अब मैंने नहा लिया, शावर ले लिया, और फ्रेश हो गया हूँ, और कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। तो अब हम निकलेंगे कहाँ के लिए, सीधा निकलते हैं मेले की तरफ, ठीक है ना। और फिर उसके बाद देखेंगे कहाँ जाना है। ओह फक, जाम लग गए लेंटर। सो फाइनली आज कल मेरा ऑफ है, तो इन्जॉयमेंट और बढ़ जाएगा। तो अब हम मेले में जा रहे हैं, तो भाई सामने बैठा हुआ है, तो भाई अब हम जा रहे हैं मेले में, और मेले में दिखा रहा हूँ क्या क्या तहलका मचा हुआ है भाई मेले में ना, इस बार का खतरनाक वाला और खा है। तो मिलते हैं कहाँ पे, मेले में। चलो लेट्स गो, चलते हैं भाई। और जूते पहन के तो भाई भी हीरो लगता है यार, फैंस एक नंबर हीरो लगता है, इसका कोई तोड़ नहीं है, यानी माहौल सेट है पूरा। फिर तो भाई जूते पहनना है, और निकल रहे हैं हम दोनों भाई। तो बाइक तो मैं लेके जा नहीं रहा, क्योंकि पास में ही है मेला जो लगा हुआ है मेला, तो लेकिन मेला बहुत बेहतरीन लगा हुआ है, मैं एक बार जा चुका हूँ, लेकिन आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप मेरे दिल के बहुत करीब हो। तो
आपको दिखाना जरूरी है, इसलिए ले चलता हूँ मैं आपको वहीं पर सीधा। कहाँ पे? मेले में। कहाँ मिलेंगे? हाँ तो मेले में मिलेंगे भाई, ठीक है ओके। तो भाई अब प्लानिंग ऐसी हो गई है कि भाई बोल रहा है कि मुझे एग खाना है, मुझे एग। हाँ तो भाई को एग खाना है, तो एग लेने के लिए हम जा रहे हैं दुकान पे, और भाई जो है भाई भी चल रहा है अपने साथ। तो क्या लेने जा रहा भाई? तो एग जो बनेगा वो बनेगा गैस बनेगा, इसमें कुछ नहीं उबालना है बस। हाँ तो बस खतरनाक वाला जो एग बनेगा, और एग खाएंगे दोनों भाई, तीनों भाई मिलके। और चलते सीधा मेले पे, पहले तो दुकान पे जा रहे हैं, दुकान में जाने का फिर मेले में जाएंगे। तो चार मैगी ले लो। तो चार मैगी ले रहे हैं भाई की दुकान पे आ गए। तो भाई चार मैगी दे दो। अंडे हैं क्या? चार मैगी दे दो। अंडे तो नहीं है भाई की दुकान में, तो चार मैगी दे दीजिए भाई। तो चार मैगी ले रहे हैं, और चार मैगी बनाएगा मेरा भाई। चार मैगी ले रहे हैं, बना देगा ना बस। तो चार मैगी लेंगे और चार मैगी बनाएंगे, और चार मैगी खाएंगे। हाँ तो चार मैगी बनाएंगे और मस्त करके आराम से खाएंगे बैठ के। लेकिन इससे पहले हम जाएंगे मेले में, ठीक है? तो इसको मैगी दे रहे हैं हम, और मैगी ये बनाएगा तब तक रूम पे, तब हम मेले से होके आएंगे, ठीक है ना? तो मेले का पूरा माहौल दिखाता हूँ मैं, एंड तक बने रहना बस, ये देखते रहना भाई, क्योंकि तुम मोबाइल हो हमारे। ओके चलो लेट्स गो। तो भाई हमने अब ले लिया है क्या मैगी, चार मैगी लिए और एक चिकन मसाला लिया। क्या क्या लिया हमने? चार मैगी। हाँ तो भाई शेफ शेफ बनाएंगे अपने स्टाइल में। शेफ कौन से स्टाइल में बनाओगे? चाइनीज स्टाइल में। तो भाई साहब चाइनीज शेफ है, तो चाइनीज स्टाइल में बनेगा सारा खाना आज। तो चार मैगी एक चिकन मसाला, देखते क्या टेस्ट निकलता है आज, क्या जादू डालते हैं अपने शेफ हमारे हाथों में, ठीक है ना? तो पहले मेले में जा रहे हैं, उसके बाद खाना आएंगे, ठीक है ना? तो भाई साहब यहाँ पर खाने पीने की कमी नहीं है, खाना पीना देखो ज़बरदस्त पूरा लगा हुआ खाना पीना, ठीक है ना? शेफ साथ में है। तो आगे से एंट्री होगी, एंट्री दिखाता हूँ पहले आपको मैं, ठीक है? एंट्री दिखाना फिर आगे बात। तो शेफ कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है। तो क्रॉकरी और कटलेरी बहुत सारी लगी पड़ी है, तो अलग अलग आइटम है यहाँ खाने के। भाई बच्चों वाला गेम भाई। तो भाई हम लेने वाले हैं यहाँ से भेलपूरी। तो भाई बना रहा है भेलपूरी, लेकिन हम कौन से आए? सूखे वाले। सूखे वाले कुछ सूखे चटपटे खाएंगे हम, है मीठा वाला पसंद नहीं हमको, तो वो बनाएंगे पहले। तो नॉइज़ आ रही होगी इसमें, माँ से कहा सॉरी। तो भाई सूखा तो सब कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा है, बढ़िया है। तो हमने ये भेलपूरी ली है, तो 50 रुपये की भेलपूरी मिली है भाई, ये वाली दे रो। भाई साहब अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो एंजॉय तो बहुत कर लिया है जब तो एंजॉय काफ़ी कर लिया है, बना हुआ है भसड़ बची हुई भाई। तो होगी
तो रामलाल स्टार्ट होने लिए एक घंटे बाद रामलाल स्टार्ट होने लिए। अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हैं, और ये भी क्लोज है तो आपको बहुत ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से, और बने रहिए इस वीडियो पे, तो लाइक सब्सक्राइब कर दिए मेरी वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।